नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। पहाड़ पर मरीजों को कैसे अस्पताल पहुंचाया जाता है वो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहाड़ पर बारिश कहर बनकर टूटी है, जिससे कई जगहों पर बारिश और भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। लेकिन पहाड़ पर कई ऐसे गांव हैं जिन्हें आज सड़क नहीं मिली है, जिस कारण लोग आज भी मरीजों को कंधों और डोलियों के सहारे अस्पताल पहुँचा रहे हैं। और सरकार कहती है कि पहाड़ पर विकास हो रहा है। देखें त्रिवेंद्र सरकार कहाँ है पहाड़ पर विकास। पहाड़ पर बारिश कहर बनकर टूटी है। कई जगहों पर बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, तो वहीं कई इलाकों को आज तक सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। पहाड़ के लोग आज भी मरीजों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचा रहे हैं। पहाड़ पर सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। राज्य बनने के 18 साल बाद भी सरकारें पहाड़ में बुनियादी माने जाने वाली सड़क और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। अस्पताल खोले तो गए हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जिससे मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। सांसद महोदय से विकास और इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। हमें वो विधायक और सांसद चाहिए जो हमारा विकास कर सके, और हमारे केंद्र और राज्यों में दोनों सरकारें हैं और हमारे मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अंतिम सीमा पर स्थित विकासखंड बेरीनाग के पौसा गांव के हालात देखिए। यहां एक बुजुर्ग महिला छत से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोगों को डोली का सहारा लेना पड़ा। गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर महिला को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल लाने तक महिला का खून ज्यादा बह चुका था। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लोगों ने बताया कि पिछले डेढ़ दशक से वो सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। कई बार सड़क बनाने की मांग को लेकर सीएम से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा। गांव में आए दिन गर्भवती महिला और मरीजों को डोलियों के सहारे ही अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली। ऐसी तस्वीरें हमेशा से सामने आती रहती हैं, लेकिन सरकार का इन पर ध्यान नहीं है। ये सुबेरे श्री आनंद राम की घरवाली शिवणी सिंह गुरजी जी हमारे गांव में काफी लंबे लगभग डेढ़ दशक से रोड की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज भी हमें इस वृद्धा औरत को 3 किलोमीटर गांव से पैदल लेके आए, डोली उठाने के लिए तक हमारे पास आदमी गांव से प्लानिंग कर चुके हैं। 4 आदमी सब 3 किलोमीटर डोली में लेके आए, और न तो पैदल रास्ते हमारे सही हैं, न और रोड की व्यवस्था है, न हमारे शासन देख रहा है, न प्रशासन देख रहा है। मैं मीडिया लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक और सरकार गांव-गांव को सड़क से जोड़ने और गांवों में रोजगार जैसी सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी मरीजों को डोलियों के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब पहाड़ को सड़कों की सौगात देगी। बेरीनाग से प्रदीप महारा की रिपोर्ट।